नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए ले चलते हैं आपको मंडार के निकटवर्ती लक्ष्मीपुरा गांव के इलाके में, जहां पर एक खेत पर एक किसान की फसल जल चुकी है। यहां फसल जलने से तात्पर्य है बिना पानी के खेती का सूख जाना, और किसान का आरोप है कि मेरी जो फसल जली है वो विद्युत विभाग की वजह से जली, क्योंकि मैंने लाइट का बिल नहीं भरा था और मैंने उन्हें करबद्ध निवेदन किया था और ऑफिस जाकर भी ये बताया था कि मैं कुछ ही दिनों में भर दूंगा। अगर 2-3 पान अगर इसको मिल जाती हैं मेरी फसल को, तो फसल पकते ही मैं आपका बिल भर दूंगा। बावजूद इसके उस किसान का आरोप है कि विद्युत विभाग ने उसका कनेक्शन काट दिया और फसल जल गई। हमने उनसे बात की, क्या कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। क्या नाम है आपका? निसार मोहम्मद। निसार मोहम्मद। निसार भाई, ये बताइए कि क्या परेशानी थी आपको और ये पूरी खेती जली हुई दिख रही है। ये ऐसा हुआ कि जब मेरे पास में पैसे नहीं थे और मैंने कहा लाया जयन साहब से, मैंने कहा कि भाई साहब मैं 15-20 दिन में खेती थोड़ी बहुत ले के और थोड़े बहुत पैसे भर दूंगा। तो क्या वो बोलते हैं कि आपके जले तो जले, हमको कोई मतलब नहीं है, और आपके क्या बोले कि जले तो हमको कोई मतलब नहीं है, आप हमारा अभी का भी पैसा भरो। तो ये और ये 10-12 दिन से ये मेरे बिल्कुल पानी नहीं आया, उसके हिसाब से लाइट काट दी बिल्कुल। अच्छा, ये पूरे जल गए। अच्छा, आप ये खेत आपका है या आपने ठेके पे लिया हुआ? मैंने ठेके पे लेके इसको बुआई की बुआई की थी हाँ। और ये सारी फसल खड़ी है, वो पूरी सारी जल गई है। हाँ, ये अब ये जल गई लेने है। लायक नहीं है, मतलब? अब ये कुछ नहीं, अब पानी मिलो या ना मिलो कुछ मतलब का नहीं है, अच्छा ये ये पूरी पूरी हो गई है। पानी ये 10 दिन पहले जो मिला होता था तो थोड़ा बहुत मिलता हमको। कितना बीघा जमीन है? ये 10 बीघा है, 10 बीघा में आपने ये अरंडी बोई थी? एरंडी बोई हाँ, थी, और जो ये थोड़ी बहुत पिलाई थी वो ये अभी हरी खड़ी है बस, ये अच्छा इतनी ये ही इस है। तरफ, हाँ, दूसरा ये सारा इस ये जो तरफ का पानी जो, आ रहा था ये पानी, ये पाइपलाइन चालू है हाँ अंदर, इसमें ही पानी चल रहा था अच्छा और सब जल गई। मैंने ठेके पे लेके अच्छा बोया था इसको, ये आधे से ज़्यादा मतलब आपकी खेती जल चुकी है। आधे से ऊपर जल गई, और वो थोड़े बहुत गेहूँ इधर बोए थे वो हाँ, जो मेरे खुद की ज़मीन है उसके अंदर भी बोए थे, वो भी सूख गए, आधे लीले हैं और आधे वो आज 12 दिन से पानी नहीं है बिल्कुल। तो ये बिल नहीं भरने के कारण क्या रहा? बिल पैसे नहीं थे, हमने कहा था उसको जयिन साहब को कहा, मैंने कहा ब्याज से भी लाके हम भरेंगे और थोड़े बहुत इससे लेके भरेंगे, मगर उन्होंने कुछ एक बार इसको फसल को पकने दो। एक बार फसल को पकने दो उसके बाद में हम कितने करेंगे। पान की जरूरत थी इसको पानी में? इसको भी 3 पान की जरूरत थी, थी मतलब करीब 10-15 दिन की दस जरूरत, पंद्रह दिन और पानी की जरूरत थी बस, उसके पहले ही काट दी। तो और गेहूं भी ऐसे कैसे खड़े, अब आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाह, अब फसल तो हो गई नष्ट, अब बिल भरेंगे कहाँ से, ये जो फसल थी वो भी नष्ट हो गई। तो कौन थे वे बाहर जयन से? साहब यहाँ से, उनको जाके मैंने अरूबरू कहा, अच्छा मैंने कहा 15 दिन के बाद में मैं भर दूंगा, अच्छा कैसे भी करके भरूंगा, ब्याज से भी ला के भरूंगा, मगर उन्होंने नहीं माना, नहीं माना, और ये आपकी खेती जल गई। हाँ। अब आप आगे आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? क्या कार्रवाई करेंगे अब, अभी ये पैसे मांगने आएंगे। सही है, पूरी देख आप देख सकते हैं ये पूरी अरंडी की जो फसल है, ये सारे आपको देख रहे हैं, ये सब बारीक बारीक देख रहे हैं आप, ये सारे जल चुके हैं, अब ये खराब हो चुके हैं दाने। आप देखिए कहीं पर भी किसी तरह का कोई एक भी ऐसा नहीं लग रहा है, जैसे उनके जो लगे हुए तो बहुत हैं माले, लेकिन उसमें दाने जो हैं वो सूख चुके हैं और वो दानों में तेल नहीं होगा, कस्टर्ड ऑयल नहीं होगा। और इनकी परेशानी यही थी कि ये अगर मतलब अब वजन नहीं पकड़ेगा, वजन नहीं पकड़ेगा, ये जब जो पानी मिला होता हाँ 10 दिन से पानी जो चलता था इसमें वजन रहता, इस और वजन पकड़ता और तेल पकड़ता, अच्छा निकलता, अच्छा तेल अच्छा निकलता, नहीं तो अब ये सूखा सूखा दाना रहेगा। बस सब चूक गया ये। ठीक, धन्यवाद। बिल्कुल काटे लो, कोई अड़े है ही नहीं, लेना देना ही क्या मतलब का, सबको ही आ गए। और बिल बाकी तो बिल भरने